Top 100. संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस का अत्याचार, पुलिस ने जबरन उठाकर पुलिस वैन में बिठाया, फिर की छात्रों की पिटाई। पुलिस बस में छात्रों की हुई पिटाई, पिटाई करते एडिशनल सीपी एसबीएस त्यागी समेत कई पुलिस वालों की तस्वीरें कैमरे में कैद, पुलिस ने छात्रों की पिटाई से किया इनकार। छात्र के बालों को पकड़कर झंझोड़ा गया, कई पुलिसकर्मियों ने पीठ पर मारी कोहनी, पुलिस ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन और कृषि भवन, मेट्रो स्टेशन बंद करने की सिफारिश की। इस अत्याचारी खिलाफ क्यों नहीं बैठेंगे? अभी हम लोग बंद है, इससे भी बड़ा आंदोलन करने की हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार को दिखा देंगे, जिसको हम बनाए हैं उसे गिरा भी सकते हैं। ये लोकतंत्र है, ये सरकार और जो भी विद्यार्थी संसद भवन जाना चाहेंगे उनको हम यहीं रोक रहे हैं, किसी को हम रेल भवन रोक रहे हैं, जो जहां हम किसी को राजपथ रफी मार्ग क्रॉसिंग पर रोक रहे हैं, यहां से डिटेन करके हम थाने उनको ले जा रहे हैं। कितने मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं? हमने अभी 3 मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन और कृषि भवन। मोदी से मुलाकात के बाद बोले जितेंद्र सिंह, कहा यूपीएससी के जरिए प्रवेश पत्र जारी होने का मतलब ये नहीं कि छात्रों की मांगों पर विचार नहीं होगा। जितेंद्र सिंह ने कहा भाषा के आधार पर छात्रों से नहीं होगा भेदभाव, लेकिन यूपीएससी परीक्षा होने ना होने पर नहीं दिया सीधा जवाब। जानना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड का जारी होने का अर्थ ये नहीं है कि ये प्रक्रिया किसी भी प्रकार सरकार के निर्णय को प्रभावित करने वाली है, वो यूपीएससी अपने कैलेंडर के अंतर्गत काम कर रही। दिल्ली के मुखर्जी नगर और नॉर्थ कैंपस इलाके में तनाव बरकरार, मार्च पर निकले करीब 500 छात्रों को पुलिस ने रोका, संसद तक था मार्च। बीती रात दिल्ली में नेशनल हाईवे 1 पर सिविल सर्विसेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन, जमकर की आगजनी और तोड़फोड़, एक पीसीआर वैन, 3 बसें और एक बाइक फूंकी, पुलिस ने 18 छात्रों को हिरासत में लिया। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जाकर छात्रों से मिले पप्पू यादव, कहा उनके साथ हो रही है ज्यादती। एक तरफ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एक तरफ उनकी जिंदगी समाप्त कर रहे हो और दूसरी तरफ उसका लाठी गोली चला रहे हो, दूसरी तरफ हमारी बहनों और बेटियों का अपमान कर रहे हो, उसकी इज्जत पर निलाम कर रहे हो, ये भारतीय संस्कृति देखिए। यूपीएससी छात्रों की मांग पर रामविलास पासवान का बयान, सरकार कर रही है जरूरी कार्रवाई। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, सरकार इस पर सोचेगी कि कैसे इसको ठीक दुरुस्त किया जाए। नहीं, हमारी हमारी पार्टी का बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी का ये रुख है कि जो हिंदी भाषा है और जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और अंग्रेजी का वर्चस्व जो है खत्म होना चाहिए। लखनऊ में वक्फ बोर्ड की मांग को लेकर हंगामा, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीएम आवास की तरफ जाने से रोकने पर भड़का गुस्सा। झड़प में एक की मौत, 12 घायल, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। आरक्षिया वक्फ बोर्ड की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी आजम खान के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के छोड़े गोले। योगी आदित्यनाथ ने किया गोवा के मंत्री के बयान का समर्थन, हिंदुओं से प्रभावित होकर मुस्लिम करते हैं हज। मैं नहीं समझता हूं कि भारत का मुसलमान जब हज करने जाता है तो हिंदू नाम से संबोधित होता है। ये भारत राष्ट्र है, आप इसको भारतीय राष्ट्र कहें चाहे हिंदू राष्ट्र कहें, हिंदू और भारतीय अलग अलग नहीं है। एक दिन पहले गोवा के कॉरपोरेट मंत्री ने दिया था बयान, सब देंगे साथ तो मोदी भारत को बना देंगे हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस एनसीपी के बीच बड़ा तनाव, कांग्रेस के सूत्रों की खबर, 144 सीटों पर अड़ी पवार की पार्टी, तो नहीं हो पाएगा गठबंधन। हरियाणा एसजीपीसी मुद्दे पर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज, अकाली दल नेता अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से की मुलाकात। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, कहा महंगाई हटाने के वादे का क्या हुआ।
अमेठी के दौरे में राहुल ने लगाया आरोप, मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क। जो सरकार दिल्ली में आई है उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे और सबसे बड़ा वायदा प्राइसेस का था, और यहाँ कंप्लेंट यूनिवर्सल कंप्लेंट है कि सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। पर एक बात जरूर दिख रही है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। हरियाणा की अलग एसजीपीसी के मुद्दे पर दोनों राज्यों में बढ़ रहा है तनाव। 26 मार्च को सीएम प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में मार्च। हरियाणा भी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। 28 जुलाई को करनाल में सिखों का महासम्मेलन। करनाल में एसजीपीसी ने लगाए बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर, लाउडस्पीकर से लोगों को सम्मेलन में शामिल होने की अपील। व्यापम घोटाले में आरोपी सुधीर शर्मा का सरेंडर, 5,000 का था इनाम। खनन कारोबारी सुधीर शर्मा से दो बार हो चुकी है एसटीएफ की पूछताछ, कोर्ट ने पेशी के लिए 28 जुलाई तक की दी थी मोहलत। एसजीपीसी ने लगाया हरियाणा के सभी गुरुद्वारों के में सरकार की पोल खोलने वाले बैनर, कुरुक्षेत्र में भी चल रहा है अभियान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का हंगामा, 5 बसों में की तोड़फोड़। शिवसेना विधायक राजेश श्रीसागर और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप, कर्नाटक में महाराष्ट्र राज्य के येल्लूर नाम के बोर्ड हटाने पर गुस्सा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन ने संभाला कार्यभार, पद और गोपनीयता की ली शपथ। रायपुर में बिलासपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यतीन्द्र सिंह ने दिलाई शपथ, मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद। देश ने आज मनाया 15वां करगिल विजय दिवस, थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल के द्रास सेक्टर में आयोजित किया गया श्रद्धांजलि समारोह, जवानों ने शहीदों को किया नमन। 1999 में एनडीए सरकार के वक्त लड़ा गया था करगिल युद्ध, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बार फिर फहराया परचम। 25 जुलाई को मनाया जाता है करगिल विजय दिवस। करगिल में पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के संग मिलकर की थी घुसपैठ, भारतीय सेना ने जंग के जरिए पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर किया था मजबूर। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 527 जवान हुए थे शहीद, एक और 1,000 से ज्यादा जवान हुए थे घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र सरल के घर छापेमारी, लाखों की बेनामी संपत्ति बरामद। लोकायुक्त इंदौर और ग्वालियर की टीम में संयुक्त रूप से मारा छापा, 24 साल से यही नियुक्त। गाजियाबाद में पकड़ा गया लुटेरों का गैंग, जाट रेजिमेंट के पूर्व फौजी सहित 3 गिरफ्तार। कोलकाता से 3 जुलाई से लापता सुनील उपाध्याय को ढूंढने में नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन, बंग भवन के बाहर जताया विरोध। इंडियन म्यूजियम में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सुनील उपाध्याय, घर में पड़ा था मोबाइल, अभी तक कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हाथ मारे गए गांव वालों के बच्चे के लिए पुलिस का अभियान, ट्रेनिंग देकर बनाया बच्चों का बैंड यूनिट। बच्चे प्रोटोकॉल के तहत आने वाले वीआईपी सहित मंत्रियों और अफसरों को देते हैं गार्ड ऑफ ऑनर, नाम दिया गया है बस्तर बैंड। बच्चों में इतनी ऊर्जा है, उन्होंने इतनी अच्छी रुचि दिखाई है, जो इनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, ये आने वाले समय में वहाँ पे भी एक उदाहरण के रूप में बाकी बच्चों के लिए भी पेश आएंगे। और हमें ये सौभाग्य मिला पुलिस विभाग को इस प्रकार का एक सामाजिक काम करने के लिए, सामाजिक बच्चों को जोड़ने के लिए। रमजान के आखिरी जुम्मा की विदाई, दिल्ली की शाही मस्जिद फतेहपुरी में 50,000 से ज्यादा लोगों ने पढ़ी नमाज। शाही इमाम ने की लोगों से अपील, अमन और सादगी से मनाएं ईद। दिल्ली में अपने घर की चाहत रखने वाले लोगों के लिए propertychacha.com की पहल, 2021 मास्टर प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ली जाएगी दिल्ली के अलग अलग एरिया में जमीन, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, पार्किंग जैसी सुविधाएं।
इन जितने भी जोन को डिवाइड किया गया है उस पर जो पिन कोड होगा वो दिल्ली का ही होगा एंड विद इन दिल्ली कंपाउंड ये फैसिलिटीज के साथ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आने वाले समय में और इसका लोग फायदा बहुत ज्यादा उठाएंगे। राजेश खन्ना के बंगला आशीर्वाद की डील को लेकर विवाद शुरू, अनिता आडवाणी इन्हें उठाया एतराज। बेच दिया नहीं गया, बेचने की इंक्वायरी हो रही है कि वो बेचना चाह रहे हैं, वेदर किसी को ऑब्जेक्शन है या नहीं, और मुझे बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है एंड मैं इसको कोर्ट में उठाऊंगी और ऑब्जेक्शन का नोटिस भेजूंगी उनको। सानिया ने कहा तेलंगाना का एम्बेसडर बनाने पर उन्हें है गर्व, विवाद पर नहीं करना चाहती है।